दुनिया में ना कोई भाईचारा नहीं है। अगर आप समझे ना कि हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी और ये कुछ दोस्ती कुछ नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमिक है। ये नारेबाजी जो है ना, सऊदी हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, दोस्त वो कुछ नहीं होता। आप इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करें, एक्सट्री ओपन करें। आप इंडिया के साथ आपने, हमने क्यों बैन लगाया उन पर? इंडिया बॉलीवुड को क्यों बैन लगाया भाई? भाई बॉलीवुड दिखाओ, हॉलीवुड दिखाओ, सिनेमा इंडस्ट्री को प्रमोट करो। मैं सोचूँ ना, मैं अगर किसी बड़ा पॉलिटिशियन के साथ हूँ ना, मैं उसे कहूँ कि यार आप बॉर्डर ओपन करो, आप वहाँ वीज़े स्टैम्प कराओ। मेरा दिल करता है मैं शाम को चंडीगढ़ जाऊँ, मैं वहाँ खाना खाऊँ, उसके बाद मैं आगे अमृतसर चला जाऊँ, मैं वहाँ जाकर फिल्म देखूँ, मैं वापस आऊँ, एक रात में मेरा सफ़र पूरा, मैं जनाब वापस आ। और वो लाहौर आए, देखें जब मुशर्रफ का दौर था ना, जब जहाँ बसंत मनाई जाती थी, मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, 2002-03 की, जब मैं खुद इस एरिया में था। अभी तो मैं बहरिया टाउन से आ रहा हूँ, तो अनारकली में, पुरानी अनारकली में जहाँ फूड शीट हुआ करती थी, रवि शास्त्री वहाँ बैठा होता था। मतलब मैंने उसको खुद देखा हुआ यार, लाइव देखा हुआ है, रवि शास्त्री वहाँ बैठ के खाने खा रहा था। भाई ठीक है, बसंत मनाई जा रही है, पाकिस्तान इंडिया के मैचेज हो रहे हैं, तो ये चीज़ चाहिए हमें। असल परसेप्शन ये है, देखें वहाँ पर बहुत कुछ ओपन है, इसलिए वहाँ टूरिज्म भी और लोग आना प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है चीज़ें, आप ज़्यादा टूरिज्म को ओपन नहीं कर सकते। नहीं किया वो हमने, क्योंकि हमारे यहाँ ना तो ओपनली वाइन मिलती है, ना ओपनली आपको कुछ मिलता है। और मैं समझता हूँ अच्छी चीज़ है, मतलब मैं इसको अपोज नहीं कर रहा, छुपे में सब कुछ ही होता है, छुपे में सब कुछ होता है, लेकिन ओपनली चूंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन गुरु। अक्सर हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोग बातें करते हैं और उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जिसमें कुछ आपको लॉजिकल बातें सुनने को मिलेंगी। वीडियो है निमर अहमद ऑफिशियल का। पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। यूएई की, सऊदीया की पॉलिसी और होगी, लेबर लॉ उनके चेंज हो जाएंगे, लेबर पॉलिसी चेंज हो जाएगी, कभी कुछ कभी कुछ, वो तो चलता रहेगा। लेकिन देखिए, हमारी इज्जत तब बननी है जब, मतलब हम अभी मांगने जाते हैं उनसे पैसे, जब तक हम इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो जाते तब तक हमारी इज्जत उस तरह से नहीं होती। हमने क्यों बैन लगाया उन पर? इंडिया बॉलीवुड को क्यों बैन लगाया भाई? भाई बॉलीवुड दिखाओ, हॉलीवुड दिखाओ, सिनेमा इंडस्ट्री को प्रमोट करो। ये लॉलीवुड नहीं चल सकती ऐसे, आप 4-6 फिल्में बना के आप नहीं कर सकते। आप मतलब अभी चंद साल पहले तक मैं नवाज शरीफ का दौर देखूँ, 2013-17 वाला, तब तक वाघा बॉर्डर भी खुला हुआ था, सब्जियां फल भी आते थे, इंडियन फिल्में भी लगती थी। अब अचानक इनको पता नहीं क्या दौरा पड़ता है कि देखिए, एंटरटेनमेंट को आप ब्लॉक नहीं करें। हम कहते हैं कि हमने उनके साथ रिलेशन नहीं रखने हैं, सब कुछ बैन कह देते, इंटरनेट पे फिर हमारी यूथ उन्हीं की चीज़ें देख रही होती, तो क्या फ़ायदा बैन करने का? हर बंदा क्वालिटी देखता है। देखिए मैं देखने जाऊँगा, ठीक है मैं शान को देखूँगा, मैं फवाद को भी देखूंगा, लेकिन मैं शाहरुख खान को देखना चाहता हूँ, मैं आमिर खान को देखना चाहता हूँ। देखिए मैं अब मुझे जब मौका लगता है मैं उसकी फिल्म देखता हूँ, चाहे प्रॉक्सी से देखूँ, घूम घुमा के देखूँ, नेटफ्लिक्स पे देखूँ, जहाँ से मर्जी देखूँ, लेकिन देखनी लाजमी है। और यहाँ हमने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ जैसे इंडिया पता नहीं क्या मसला, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जब तक हम अपने हमसायों से बशमूल इंडिया हम अपने ताल्लुकात नहीं ठीक करते, इंडियन, देखिए मैं सोचूँ ना, मैं अगर किसी बड़ा पॉलिटिशियन के साथ हूँ ना, मैं उसे कहूँ कि यार आप बॉर्डर ओपन करो, आप वहाँ वीज़े स्टैम्प कराओ। मेरा दिल करता है मैं शाम को चंडीगढ़ जाऊँ, मैं वहाँ खाना खाऊँ, उसके बाद मैं आगे अमृतसर चला जाऊँ, मैं वहाँ जाकर फिल्म देखूँ, मैं वापस आऊँ, एक रात में मेरा सफ़र पूरा, मैं जनाब वापस आऊँ। मैं एक वक्त ऐसा था कि मैं अपने सैलरी से मैं होंडा सिटी ले सकता था 2012-13-14 तक। अब वो देखें, वो जो प्राइसिंग है वो कहाँ पहुँच गई है, कहाँ पहुँच गई है। अब हमारी मिडिल क्लास उस लेवल की रह नहीं गई। तो इंडिया की तरक्की का राज यही है कि उन्होंने अपनी मिडिल क्लास को स्ट्रॉन्ग किया है, पॉवर्टी कम की है, वो होती तब जब आपकी पुअर क्लास या लोअर देन पुअर क्लास या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में आती है। तो देखें, जब तक आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुक अच्छे नहीं करेंगे तो कोई बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में नहीं आता। देखें दुनिया में ना कोई भाईचारा नहीं है। अगर आप समझे ना कि हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी और ये कुछ दोस्ती कुछ नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमिक है, इकोनॉमी है, बिजनेस है, दुनिया बिजनेस में चलती है। हमें ये नारेबाजी जो है ना, सऊदी हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, दोस्त वो कुछ नहीं होता। आप इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करें, एक पॉलिसीज लेके आएँ जो, मतलब आप चलने दें किसी गवर्नमेंट को, चलाएं। मैं समझता हूँ, देखें नवाज शरीफ का दौर 2013-17 वाला बहुत अच्छा दौर था, इकोनॉमी वाइज बहुत अच्छा दौर था, कर्जा बहुत था सर, नहीं कर्जा उस टाइम इस वक्त से कम था। लेकिन मैं, जब तक आप उनसे
बराबरी की सतह पे बात नहीं करेंगे ना, ट्रेड एड नहीं लेनी, नोटिस लेनी है। नवाज शरीफ की बेटी की शादी पे वो आए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ की नवासी की शादी थी, मरियम नवाज की बेटी की शादी थी, मेहंदी पे जाती उम्र आया था। पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें दो दफ़ा ही कोई भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आया, एक 99 में वाजपेयी और बीजेपी के सारी जो लीडरशिप थी वो वाघा के रास्ते बस पे बैठ के मीनारे पाकिस्तान आए थे, यानी कि मतलब ये कभी हुआ ही नहीं था। और इस तरह वाजपेयी सेकेंड टाइम पाकिस्तान आया जब वो मेहंदी पे आया। आई मीन के देखें ये हो सकता है हम इंडिया के साथ ट्रेड ताल्लुकात बेहतर करें, और मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँगा ये कश्मीर के मसले को अब बस कर दें। ये दबे छुपे लोग कहते हैं लेकिन देखें अब ये बहुत हो गया, 75 साल हो गए, आप अपने इंडस्ट्रीज को तबाह करते हैं, उनको फैसिलिटेट करें, बिजनेस फ्रेंडली करें इस मुल्क को रिलीजन आप रखें ज़रूर। ये एक डिबेटेबल इशू है, मतलब पाकिस्तान चूँकि बना ही एज ए इस्लामिक स्टेट है, होना इसे मुस्लिम स्टेट चाहिए जिसमें मुसलमान बसते हों और अपना अपना करते हों, कोई भी किसी का डिफरेंस ना हो, हिंदू हो ईसाई हो मुसलमान हो वट सो एवर इज़ पाकिस्तानी, नो डाउट। कुछ हमारी लिमिटेशंस हैं जो कि हमें रखनी चाहिए, पर ये जो हम तंजीमें पाल लेते हैं ना, मतलब मैं बचपन में मैंने अपने इलाकों में मुरीद के शेखपुर अनकाना में बहुत देखा है, लश्कर तैयबा फलांगना, ये बहुत मैंने इनका अरूज देखा है। TLP देख लें आप पिछले सालों में कितना अरूज था, इनको जब तक बैकहेंड से सपोर्ट मिलती रहेगी पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। मेहरबानी करें पाकिस्तान को इकोनॉमी की तरफ लेके जाएं, रिसर्च की तरफ लेके जाएं, एजुकेशन की तरफ लेके जाएं। अभी IT मिनिस्टर डॉक्टर उमर सैफ हैं, डॉक्टर उमर सैफ को मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में भी आएं। डॉक्टर उमर सैफ जेन्युइन प्रोफेशनल हैं, वो उनको आना चाहिए IT में भी, और इस तरह के IT प्रोफेशनल लेके आएँ और इकॉनमी पर फोकस करें। और पाकिस्तान का जो इमेज है वो है एक रिलीजियस एक कंट्री का, कि पाकिस्तान की इस्लामिक स्टेट, हमारा नाम भी यही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो शायद लोग और थोड़ा सा फिर हम टेररिज्म में भी ऊपर आते हैं, अफगानिस्तान की वजह से, तो इसलिए लोग टूरिज्म में पाकिस्तान को इतना प्रेफर नहीं करते। और पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म से ज्यादा टेररिज्म है, और इसी वजह से विदेश का कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल पॉइंट आउट करके ये बात की है, लेकिन जो भी कोई पाकिस्तानी इनकी बातें सुनेगा तो कहेगा भैया ये जाहिल हैं, इनको कुछ पता नहीं है, भारत से मिले हुए इनको पैसा मिला हुआ है, ये काफिरों के साथ मिले हुए हैं, यहूदियों के साथ मिले हुए हैं, इस तरीके की बातें करने लगेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान के अंदर बॉलीवुड की जो फिल्में हैं वो देखी जाती हैं, चाहे वो प्रॉक्सी साइट से देखी जा रही हो या फिर जो ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म है उनका सब्सक्रिप्शन लेकर देखी जा रही हो या फिर बहुत अन्य माध्यम है उनके माध्यम से देखी जा रही हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखी जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट की आप मूर्खता देखिए कि उसने बॉलीवुड फिल्मों को बैन करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वहां के जो सिनेमा हॉल थे वो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, वहां पर जो लोग काम करते थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। और एक आप समझिए कि अगर सिनेमा होता है तो उससे लोग जब दुखी होते हैं या फिर थोड़ा टेंशन में होते हैं तो वहां पर जाकर फिल्म देखते हैं तो उनको थोड़ा सा इंजॉयमेंट मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट इतनी जाहिल है कि ऐसी खुशी जो है पाकिस्तानियों को कैसे वो दे सकती है। इसके अलावा जो यहाँ पर ओवरऑल इन्होंने बात की है ठीक ठाक बात की है, और ऐसे लॉजिक वाली बात करने वाले बहुत कम लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लॉजिकल जब कोई बात करता है तो पाकिस्तान के लोग जाहिल होते हैं, उसको उनको लगता है कि भैया ये तो सब गलत गलत बोल रहा है, जैसे कि उसने बता दिया कि टेररिस्ट की वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म नहीं आता। ये बात अगर कोई पाकिस्तानी सुन लेगा तो कहेगा कि भैया ये तो सबसे बड़े जो है झूठ बोलने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर तो कोई टेररिज्म है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे मुजाहिदीन है और हमारे हीरो है, उसामा बिन लादेन हाफिज सईद जैसे लोग तो हमारे हीरो हैं, वो कैसे आतंकवादी हो सकते हैं। तो वो लोग दूसरी तरीके सोचते हैं और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो दूसरी तरीके सोचते हैं, इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।